सीए फाइनल नवंबर 24 की एग्जाम के लिए एफएम का पेपर कैसा रहेगा, क्या पेपर हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा। एफआर के लिए ऑलरेडी मैंने डे बिफोर एग्जाम अपलोड कर दिया था कि पेपर किस तरीके से रहने के चांसेस है, उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी और पेपर कुछ वैसा ही रहा। एफएम के लिए भी ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर देना, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर हम बात करें एफएम के पेपर के बारे में तो उसको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा, सबसे पहला एमसीक्यू पार्ट एंड सेकंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू पार्ट के लिए तो एमसीक्यू पार्ट जो आपको देखने को चांसेस हैं वो आपको इजी साइड देखने को मिल सकते हैं, यानी एमसीक्यू काफ़ी मैनेजेबल रहेंगे और मैं कहूँगा कि आपको एमसीक्यू को टारगेट करना चाहिए अपनी स्पीड के लिए एंड मार्क्स के लिए भी। अराउंड 25 से 30 मिनट से ज़्यादा आपको एमसीक्यू को नहीं देना चाहिए, उतना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए और उसके साथ साथ आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव में तो डिस्क्रिप्टिव में भी दो पार्ट में करना चाहूँगा, एक हो गया आपका थियोरी वाला और एक हो गया प्रैक्टिकल। अगर मैं बात करूँ थियोरी तो थियोरी आपको एवरेज से लेके हार्ड की साइड देखने को मिलने के चांसेस हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दी थियोरी। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल के लिए तो प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस आपको एवरेज से हार्ड की साइड दिखने के चांसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। मेन अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जो फोकस वाला पार्ट होगा जिसमें आप ज़्यादा टारगेट कर पाओगे वो एमसीक्यू होगा। इसके साथ साथ एफएम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर पैटर्न, काफ़ी सारी चीज़ें मैं फ्री में अपने टेलीग्राम पर शेयर करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत काम की चीज़ें होने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करिए एंड उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।